ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिमा बेगम एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से आप तमाम के सामने आज रूबरू होने का मुझे मौका मिला। ये एक सुनहरी मौका है हमें अपने हिंदुस्तान की तारीख को बदलने का और हिंदुस्तान के आईन को बदलने का। तो मेरी तमाम शहरियों से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत कीजिए, और हम पिछले 40 सालों से उन लोगों की क़यादत हम लोग देखते आ रहे हैं, और हर जगह जहां पर कोई मुश्किल आ जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोविड आ जाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और फ्लड आ जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोई ऐसा इत्तेफाकी हादसा हो जाए वहां पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन आकर उनके खिदमत अंजाम देते हैं। तो ऐसे मौके पर हम सब ये उन लोगों के तमाम खूबियों को और उनकी जो हमदर्दियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है उसको नजर में रखते हुए अपने अपने घरों से सुबह जल्दी, मेरी बहनों से गुजारिश है कि बाहर निकले और खुशी से बूथ पे जाए, वहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल आ जाए तो वहां पर बैठे अफसरान से आप लोग मशवरा ले सकते हैं, और जब आप अंदर जाएंगे तो वहां पर आपकी उंगली पर निशान लगेगा, उसके बाद जब आप पर्दे के पास जाएंगे जहां पर इम्तियाजी निशान होगा, जो सबसे पहला इम्तियाजी निशान है वो पतंग का है, आप उस पर अपनी उंगली को 3 सेकंड के लिए रखना, वहां से एक बीप साउंड आएगा, वो साउंड आ जाने के बाद में फिर बाजू मशीन से एक स्लिप गिरेंगी जिस पर आपने जिस पर इम्तियाजी निशान अपना लगाया उसी स्लिप आएंगी, उसके बाद में आपको वहां से हटना है, और आप ये नजर रखना है कि वो स्लिप वहां पर आई जिस पर आपने निशान लगाया वही स्लिप आपको नजर आएंगी। आप वो जरूर ख्याल रखिए, और शहर हिंदुस्तान हल्के तेलंगाना शहर हिंदुस्तान के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस पर कोई ऐसा नहीं है कि जो बाखबर, सब बाखबर है, कोई बेखबर नहीं है हालात से। हतरस के मामले को अपने जहन में रखिए और अपना वोट देने से पहले ये सोचिए कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं, हिजाब की बात सोचिए, और आप अपने वोट देने से पहले हिजाब के बारे में भी सोचिए, उसके बाद फिर आप अपने घरों से एक जोश और जज्बे के साथ निकलिए। ये सुनहरी मौका है, मेरे तमाम शहरियों से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि ऐसे मौके को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें हक है, जमहूरी हक है वोट डालने का, और आपका कीमती वोट है जो हमारे हिंदुस्तान के मुकद्दर बदल सकता है। तो मेरी आप तमाम से दर्दमंदाना अपील है कि अपने घरों से निकलिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत कीजिए। वोट आपका है और आपका जमहूरी हक है वोट डालना, और आप पर इसकी जिम्मेदारी भी है। और जाते वक्त आप लोग अपने साथ अपना वोटर आईडी स्लिप, आधार कार्ड भी हो सके तो अपने साथ ले जाइए, ताकि वहां पर जाने के बाद आप लोगों को कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और इस वक्त गर्मी का माहौल चल रहा है, आप लोगों को गर्मी की परेशानी होंगी, धूप भी रहेंगी, लेकिन ये सब चीजों को हमको नजरअंदाज करके हमारे मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ना है। इतना बस, अपने आगे बढ़िए और अपने घरों से निकलिए। और हज का टाइम ऐसा चल रहा है ये सीजन कि तमाम लोग हमारे तकरीबन हज के लिए चले गए हैं, वो भी उन लोगों के लिए फर्ज है, वो लोग चले गए हैं, और जो बचे कुचे यहाँ पर लोग हैं वो लोग अपने घरों से किसी हाल निकलना है। अगर आप लोग घर से निकलने में देर करेंगे 13 मई के दिन, तो आपका वोट कोई और इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो अच्छा ये है, बेहतर अमल ये है कि आप लोग जल्द घर से बाहर निकलिए, ताकि आपका जो वोट है, जो आपका हक है जमहूरी, वो आप अपने हाथों से अदा करें। और जब आप लोग वोट डाल देंगे तो उसके बाद अपनी जो स्लिप है वो अपने साथ रखिए, क्योंकि आइंदा कभी इस स्लिप की आप लोगों को जरूरत पड़ सकती, और ये यकीनी बात है कि पड़ेगी, तो आप लोग वो स्लिप को अपने साथ रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।